हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर बन सकते हैं तो उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आप इस पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ठीक, तो पिछला वीडियो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के जो एमडी और सीईओ के पद से सेना नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सेना नितिन चुग। ठीक, और उनसे आप यहां पर पढ़ सकते हैं उनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट। नितिन चुग ने 30 दिसंबर 2021 से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के पद से अपनी सेनानिवृत्ति की घोषणा की है। ठीक, तो इसलिए आपका यहाँ पर 10th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये पिछला वीडियो का क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग ने कमेंट भी किया था कि 10th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फर्स्ट नंबर। आज का फर्स्ट नंबर है, किस देश ने 3 बाल नीति को मंजूरी दी है, क्योंकि उसके देश का जो बर्थ रेट है काफ़ी तेजी से डिक्लाइन किया है, इसलिए उसने 3 चाइल्ड पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वो देश का नाम क्या है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है चाइना, सेकंड में है जापान, थर्ड में है जर्मनी एंड फोर्थ में है यूएसए। तो जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है ताकि उसके जो डेट बर्थ रेट है जो वो डिक्लाइन किया है वो मेंटेन हो सके। ठीक, इसलिए चाइना ने ये कदम उठाया है, ये पॉलिसी को मंजूरी दी है। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड नंबर है द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। आपको बताना है कि पार्टियों का सम्मेलन 26 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ग्लासगो, सेकंड में है हंगरी, थर्ड में है लंदन एंड फोर्थ में है बुडापेस्ट। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जो COP 26 है, कॉप आपका 26 है, ये आपका ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ठीक, कॉप 26 कहने का अर्थ है द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, इसको शॉर्ट फॉर्म में COP बोला जाता है, कॉप 26, ये आपका ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ से पढ़ सकते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस साल नवंबर में ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉप 26 के लिए यूके को भारत का पूर्ण समर्थन दिया है। ठीक, और यहाँ पर इंग्लिश में भी है, आप जो लैंग्वेज प्रेफर करना चाहते हैं उसमें पढ़ सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जा रहा है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज फाउंड ग्लोबली ऑन विच डेट? तो जो आपका ऑप्शन है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अगस्त 21, सेकंड में है अगस्त 23, थर्ड में है अगस्त 28 एंड फोर्थ में है अगस्त 24। तो जो आपका थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक, मनाया गया है, इसलिए आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहां से देख सकते हैं विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक, और ये 21 अगस्त को हर साल ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है भारत सरकार ने हाल ही में भारत में पहली बार महिलाओं को किस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है? और मैं ये क्वेश्चन टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था जब ये न्यूज आई थी, तो उस समय मैंने कंफर्म होकर इसको पोस्ट किया और मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को आपको करंट अफेयर में लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हूँ। तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस परीक्षा में भारत की महिलाओं को बैठने की अनुमति दी है, मंजूरी दी है? UPSC, CAC आपके सेकंड नंबर में है, FCAT थर्ड में है, NDA एंड फोर्थ में है CDS।
तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत सरकार ने भारतीय महिलाओं को एनडीए में, एनडीए का जो एग्जाम होता है उसमें बैठने की मंजूरी दे दी है, इसलिए आपका फोर्थ का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर पढ़ सकते हैं, ये हाल ही का है मुद्दा। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और हरिकेश रॉय के बेंच के एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें महिलाओं उम्मीदवारों को रक्षा, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा में आयोजित करने की अनुमति दी है। ठीक, तो जो एनडीए में पहले केवल मेल के लिए था, अब वो फीमेल के लिए भी हो चुका है। जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें फीमेल भी अब पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है, भारत 23 तारीख को संस्कृत सप्ताह मनाने जा रहा है, यानी जो कौन सा वीक है जो संस्कृत के लिए आयोजित किया जा रहा है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 12 अगस्त से 19 अगस्त, सेकंड में है 19 अगस्त से 25 अगस्त, थर्ड में है 1 सितंबर से 7 सितंबर, एंड फोर्थ में है 22 अगस्त से 30 अगस्त। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 19 अगस्त से आपको 25 अगस्त तक ये संस्कृत वीक डे मनाया जा रहा है। ठीक, यानी संस्कृत सप्ताह दिवस इस दिन को मनाया जा रहा है, इस सप्ताह, इस पूरे वीक को मनाया जा रहा है, ताकि जो संस्कृत के, जो संस्कृत भाषा का जो उन्मूलन हो रहा है इसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर, दुनिया भर में केरलवासियों की इस तारीख के थिरु ओनम मनाया है। जो केरल के रहने वाले हैं उन्होंने 21 तारीख को थिरु ओनम मनाए हैं। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 21 अगस्त, सेकंड में है 22 अगस्त, थर्ड में है 23 अगस्त, एंड फोर्थ में है 25 अगस्त। तो जो आपका सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 21 अगस्त को केरल में और केरल वासियों द्वारा ये थिरु ओनम मनाया गया है। यहाँ केरल का एक प्रमुख है पर्व है थिरु ओनम, जिसे ओनम के भी नाम से जाना जाता है। ये 21 तारीख को मनाया गया है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब केरल आया है, तो केरल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल आपका कहाँ पर स्थित है, जो रेड रंग से आपको मार्क किया गया है। ठीक, तो ये आपका केरल है। ठीक, ये आपका केरल है, केरल राज्य है, केरल की राजधानी हो जाएगी त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक, और सबसे बड़ा शहर भी तिरुवेंद्रमपुरम है। इस केरल में 14 जिले हैं, राजकीय भाषा मलयालम है, जो राज्य भाषा है वो मलयालम है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। अभी फिलहाल में जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी। ठीक, विधानसभा सीटें 140 हैं, केरल के विधानसभा सीटें कितनी हैं तो 140 हैं, और राज्यसभा सीट है वो 9 है, और लोकसभा सीट आपको 20 है, और जो केरल का उच्च न्यायालय का नाम है केरल उच्च न्यायालय नाम है। ठीक, तो ये आपका केरल से कुछ फैक्ट है, जिसे आप वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर है, कदवूर रिजर्व फॉरेस्ट जो हाल ही में खबरों में है वो किस राज्य में है, या किस राज्य से संबंधित है। आपको फर्स्ट ऑप्शन में है केरला, सेकंड में है तमिलनाडु, थर्ड में है कर्नाटका, एंड फोर्थ में है हरियाणा। आपको बताना है कि जो कदवूर रिजर्व फॉरेस्ट है वो किस राज्य में है। तो जो सेवेंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी तमिलनाडु में है कदवूर रिजर्व फॉरेस्ट, इसलिए आपका सेवेंथ का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब यहां से देख सकते हैं तमिलनाडु के कुरूर जिले में स्थित कदवूर रिजर्व फॉरेस्ट को सरेंडर लॉरी से के लिए अभयारण्य घोषित करने की मांग की जा रही है, इसलिए ये हाल ही में खबरों में है।
तो इसको मैंने इसलिए ले लिया करंट अफेयर में, ताकि आप हो सके कि किसी एग्जाम में आपसे पूछ दिए कि जो कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट है वो किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। और तमिलनाडु के ये क्रूर जिले में है, ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है तमिलनाडु का, वहीं पर ये कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है एट नंबर है बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड यानी ABBFF है के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो ABBF का फुल फॉर्म होता है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड से बताना है कि ABBF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है TM बासिन, थर्ड में है देवनीश पटेल, एंड सेकंड में देवनीश पटेल है, थर्ड में है अनिल नेहरा, एंड फोर्थ में है रामनाथ सिंह। तो जो आपका एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, TM बासिन ABBF के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है, तो इसलिए आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप ये नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर ABBF का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो TM बासिन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देख सकते हैं द सेंट्रल वायलेंस कमीशन यानी CVC ऑन थर्सडे रीअपॉइंटेड TM बासिन एज चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड यानी ABB, ए पैनल कॉन्स्टिट्यूट टू एग्जाम बैंक फ्रॉड से ओवर 50 करोड़ एंड रिकमेंड एक्शन है। ये जो ABBF है ये बैंक द्वारा जो भी 50 करोड़ से अधिक के फ्रॉड किया जाता है बैंक द्वारा, तो उस पर ये एक्शन लेता है और उसको जांच भी करता है। ये पैनल बैठक एक बैठक है, पैनल है जो इसे सजेस्ट करता है कि क्या करना चाहिए एग्जामिन करने के बाद, और उसे एक्शन भी लेता है। ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आपसे CVC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर है 3 साल के लिए इंडियन बैंक के प्रतिनिधि प्रबंध निदेशक के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी बताना है कि जो इंडियन बैंक है उसके 3 साल के लिए किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है शांतिलाल जैन, सेकंड में है कृष्णन माथुर, थर्ड में है साक्षी दीमान, एंड फोर्थ में है नेहा उपल। जो आपका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, शांतिलाल जैन है जिसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक का, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल कितना रहेगा, तो इनका कार्यकाल 3 साल के लिए रहेगा। ठीक, ये आपका SW के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं, एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पी रघुराजन, सेकंड में है गणेशी लाल, थर्ड में है NBIREN सिंह, एंड फोर्थ में है ला गणेशन। आपको बताना है कि 10th का कौन सा करेक्ट होगा ABCD में से। ठीक, एंड आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर लिंक शो लिख दूंगा, आप यहाँ पर एडिट लिंक यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।